हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दूसल चैनलॉजी फॉर ये नाइन्थ गोइंग टू कमर उसके लिए बहुत ही ज्यादा कम टाइम बचा है बच्चे सो इसी वजह से क्या हुआ है कि आपके पास इस तरीके से वीडियोस लेकर के आ रही है फैकल्टी और यहाँ पर जो है वो हम लोग सारे ही चैप्टर्स जो है वो डिस्कस करेंगे साइंस मैथ्स लैंग्वेज के ठीक है तो साइंस में भी हम आपको जो है वो अलग फैकल्टी पढ़ाएगी बायो का मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स के लिए आपके पास शहनवाज सर हैं और केमिस्ट्री आपको यासिर सॉरी सर, सर पढ़ाएंगे अंडरस्टैंड दैट सो बच्चे अपना हम लोग बायो की अगर पोर्शन की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर हमारा लाइन एंट्रेंस के लिए जो आता है बच्चे दैट इज योर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ओके सो आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि आखिर भाई क्रॉप क्या होता है किस तरीके से उसका प्रोडक्शन होता है प्रोड्यूस कैसे करते हैं क्रॉप को और हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर उस चीज को मैनेज किस तरीके से किया जाता है ओके बच्चे सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू माई नेम इज मोहम्मद अब्दुल एंड आई एम योर बायोलॉजी एंड आई हैव बायोलॉजीड माई ग्रेजुएशन एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम ए एम यू सेव सेवन ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई है ओके, सो दिस ऑल अबाउट मी बच्चे सो लेट स्टार्ट योर चैप्टर दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ओके बच्चे अब बात क्या आती है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड की जरूरत होती है फूड की जरूरत क्यों होती है इन ऑर्डर टू गेट एनर्जी और एनर्जी हमें क्यों चाहिए होती है टू फॉर द ग्रोथ करता है। इसी तरीके से क्या एक सीड है वो जर्मिनेट करके पूरा एक बेबी प्लांट बनाता है एंड देट इज गोइंग टू मेक अ मेच्योर प्लांट वो मेच्योर प्लांट फिर फ्लावरिंग करता है और फिर उसमें जो है वो फ्रूट्स आते हैं बच्चे वो फिर दोबारा से सीड बनता है और फिर ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो ये भी ग्रो करता है अगर कोई एनिमल की बात करें तो उसके अंदर भी ग्रोथ होती है दूसरी चीज क्या है सस्टेनेंस यानी कि लाइफ के सस्टेनेंस के लिए भी जो है जरूरी होता है डिफरेंट प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर लाइक like, डाइजेशन है ठीक है तो इसके लिए भी क्या होता है ये सारे क्या है ये लाइफ प्रोसेस है बच्चे रेस्पिरेशन है इट इज ऑल्सो द लाइफ प्रोसेस ठीक है यानी कि जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेसेस इंसान करता है वो क्या कहते हैं दोस प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज़ लाइफ प्रोसेस लाइक डाइजेशन रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन ये सारे क्या होते हैं आपके लाइफ प्रोसेस होते हैं इसी तरीके से अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें बच्चे तो प्लांट्स क्या है प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद द यूज ऑफ सम इनऑर्गेनिक मटेरियल ठीक है अब सनलाइट सा, जो है सॉरी सनलाइट का यूज करते हैं बच्चे और क्या होता है यहां पे वाटर एंड मिनरल्स इस तरीके से रूट से रूटॉर्व कर लेते हैं आपके जो स्टोमेटा होता है लीव्स के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड ले आता है और बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है ठीक है एक तो ये हो गया दूसरी चीज क्या है कि ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होता है दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं किस चीज के लिए अपने फूड के लिए ठीक है बच्चे तो ये सारी को जो है वो फूड चाहिए होता है किस चीज के लिए एनर्जी चाहिए होती है उसके फूड से एनर्जी क्यों चाहिए आपको फॉर द ग्रोथ एंड सस्टेनेंस ऑफ लाइफ अब अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन बच्चे जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है और इन ऑर्डर टू फीड दैट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन दैट लार्ज पॉपुलेशन क्या चीज एक रेगुलर प्रोडक्शन प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन फूड का बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंड तो ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्यों इतनी अपनी लार्ज पॉपुलेशन को फीड करने के लिए ओके okay? सो so इसी वजह से क्या होता है हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करते हैं अब बात आती है कि भाई हम लोगों ने चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट तो भाई बार बार मैं क्रॉप 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 बोल रहा हूं आखिर ये क्रॉप होती क्या चीज है ठीक है तो टॉकिंग अबाउट द क्रॉप तो क्या कह रहे हैं कि जब भी एक पर्टिकुलर प्लांट को एक बड़े पैच ऑफ लैंड में क्या होता है वही एक प्लांट को पूरे पैच ऑफ लैंड में ग्रो करा जाता है कॉल्ड क्रॉप क्या लिखा एक ही सिंगल टाइप ऑफ प्लांट को देन दिट इज कॉल्ड एज दी क्रॉप ओके सो जैसा कि आप पीछे ये डायग्राम में देख रहे हैं तो ये इस तरीके से क्या है ये वीट है और पूरे ही फील्ड में क्या हुआ वीट ही ग्रो करी गई है सो इट विल बी कॉल्ड एज क्रॉप 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 ऑफ वीट अंडरस्टैंड दैट तो ये होता है बच्चे आपका crop. अब crop की अगर, बात, कर... <coughs> अगर की बात करें बच्चे तो क्या होता है क्रॉप्स हमारी जो है वो डिफरेंट तरीके की होती है अलग अलग चीजों की क्रॉप होती है फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग किस चीज की बात करें बच्चे सीरियल फूड्स की बात कर रहे हैं ओके okay. अब सीरियल फूड्स में हमारे क्या आ जाता है वी हैव राइस मेज ठीक है बाजरा रागी ये सारे क्या हैं तो ये अलग अलग क्या होते हैं सीरियल क्रॉप्स होते हैं बच्चे ठीक है अगर दूसरी बात करें कुछ वेजिटेबल्स भी होते हैं वेजिटेबल्स की भी क्रॉप्स होती है वेजिटेबल्स की क्रॉप्स की बात करें बच्चे तो हमारे पास क्या आ जाता है बीन्स आ जाते हैं यानी क्लस्टर बीन्स और यू कैन से गवा और क्या होता है बच्चे हमारे पास वी हैव टोमैटो ऑल्सो ओके अरवी होती है कोलोकेशिया करेले होते हैं बच्चे दैट आर कॉल्ड एज बिटर गार्ड ठीक है ब्रिंजल है बैगन चकवत लेट्यूज होता है आपका स्नेक गार्ड या आपकी पेड पैडवल मेथी यानी फेनुग्रीक ठीक है बच्चे सो so, इस तरीके से आपके जो है वो वेजिटेबल के भी क्रॉप्स होते हैं आफ्टर दैट वी ऑल्सो द क्रॉप्स ऑफ फ्रूट्स लाइक प्रोमोग्रेनेट है मैंगो हो गया आपका ठीक है इसी तरीके से आपका बनाना हो गया ऑरेंजेस उस टाइम ऑरेंजेस आए थे आपके जैक फ्रूट आ गया उसके अलावा क्या होता है देर आर सम ऑफ़ फ्लावर्स ऑल्सो ठीक है क्राइसांथमस है क्यूबेरोजेस है रोजेस है मेरी गोल्ड है सो ये सारे क्या है ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके फ्लावर्स के जिसको जिसकी हम लोग क्रॉपिंग करते हैं जिसको हम लोग ग्रो करते हैं ठीक है अब सर क्रॉपिंग क्यों कर रहे हैं क्रॉप क्यों ग्रो कर रहे हैं फ्लावर्स की अब भाई आपने देखा होगा जी, जी ट्वेंटी हुआ था, तो उसमें क्या था बच्चे उसमें जो है इस तरीके से सजावट के लिए डेकोरेशन के लिए जो है वो फूल वगैरह जो है वो इस्तेमाल करे जाते हैं अंडरस्टैंड दैट सिमिलरली बच्चे हमारे पास क्या होता है मेडिसिनल प्लांट्स भी कुछ होते हैं जैसे कि सर्पेंटीना गुलेवेल सॉरी स्पैगस फाइबर के भी कुछ क्रॉप्स होते हैं जो हम लोग ग्रो करते हैं बच्चे लाइक जूट है हेम्प बच्चे सो जूट है हेम्प है या कॉटन है ये सारे जो है वो फाइबर्स भी हमारे क्रॉप हम इसकी ग्रो करते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो है क्रॉप ऑफ द फ्यूल्स लाइक भिंडी ठीक है पैराट्री जेटफोरा ठीक है तो ये सारी चीजें जो है

कि सीजन इन विच दे ग्रो कि किस सीजन में वो क्रॉप ग्रो करती हैं उसको क्या कहते हैं उसके बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं क्रॉप्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पे ठीक है बच्चे सो एज यू कैन सी हियर क्या होता है कि हमारा वास्ट जैसे हम लोगों ने बात करी कि इंडिया जो होता है एक बहुत ही वास्ट कंट्री है ठीक है तो उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ये सारी ये तीनों चीजें जो है इसी के ऊपर डिपेंड करती है यानी कि अलग अलग लोकेशन के हिसाब से वो जो है वो अलग अलग मौसम यहां पर होता है तो इंडिया जिस हिसाब से बहुत वास्ट कंट्री है तो इसी तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं कि हर जगह जो है वो अलग अलग तरीके का टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और भी करती है, तो जब अलग अलग, तो अलग, -अलग पोर्शन में क्या होता है अलग अलग तरीके की क्रॉप्स ग्रो करी जाती है ऑन दी बेसिस ऑफ सीजन की किस तरीके से किस सीजन में कौन सी क्रॉप्स करेंगे कौन सी जगह पे कौन सी क्रॉप्स होनी है इसके बेसिस पे जो है वो क्रॉप्स अलग अलग होती है ठीक है आगे क्या बात करते हैं कि इतनी ज्यादा डायवर्सिटी होने के बावजूद यानी कि इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट हमारे पास होते हैं उसके बावजूद भी जो है वो ब्रॉडली दो लेवल में क्लासिफाई करा जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ठीक है तो पहली क्रॉप्स आपकी जो होती है पहले टाइप ऑफ क्रॉप होती है दैट इज कॉल्ड एज योर खरीफ क्रॉप्स अब खरीफ क्रॉप्स के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे कब ग्रो करी जाती है कब सो करी जाती है ये रेनी सीजन में सो करी जाती है कब से जून से लेकर के सितंबर में यानी कि जून में आप इसको शो करेंगे इसके सीड्स को और सितंबर में क्या होता है ये हार्वेस्ट कर लिया जाता है, जाता है है क्योंकि पूरा पक ठीक है तो इसके एग्जांपल्स क्या है बच्चे लाइक पैडी हो गया मेज है सोयाबीन है ग्राउंड नेट है यहां पर इसी वजह से फोटो लगाए हैं ताकि आपको सारी चीजें देख करके भी समझ में आ जाए कि हाँ भाई किसका प्लांट किस तरीके से होता है और वो चीज कैसी दिखती है ठीक है बच्चे कॉटन है ये सारे एग्जाम्पल के सीज के हैं आपके दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर खरीफ क्रॉप ठीक है बच्चे जो कब कब ग्रो करे जाते हैं रेनी में ग्रो करे जाते हैं ओके सो इसी तरीके से दूसरी जो क्रॉप होती है वो कौन सी होती है रबी क्रॉप होती है ये कब ग्रो करी जाती है बच्चे दे आर बीन ग्रोन इन द विंटर सीजन जाड़े में जो है ये ग्रो करी जाती है अक्टूबर से लेकर के मार्च तक ठीक है एज यू कैन सी द एग्जाम्पल्स इसमें क्या होता है वीट होता है बच्चे ग्राम हो गया पीज मस्टर्ड है लिन सीड है ये सारे किस चीज के ये सारे एग्जाम्पल होते हैं आपके रबी क्रॉप्स के अंडरस्टैंड तो दो तरीके की मेन जो है वो हमको क्रॉप मिलती है आगे क्या बताते हैं इनके अलावा भी पल्सेस और कुछ वेजिटेबल्स वगैरह जो है ये भी जो है वो साल भर में अलग अलग उसमें जो है वो ग्रो करे जाते हैं ठीक है ठीके? कह रहे हैं बेसिकली कब समर के दौरान क्योंकि हम लोगों ने अभी तक क्या अक्टूबर से मार्च पड़ा था फिर हम लोगों ने खरीफ क्रॉप क्या कर देखा था जून से देखा था तो अप्रैल मे कभी जून भी खिंच जाता है तो ये दो से तीन महीना क्या होता है वहां पे क्या ऐसी क्रॉप्स ग्रो, ग्रो करी जाती हैं जो कि समर में ग्रो करी जाती हैं एंड दो क्रॉप्स आर कॉल्ड एज जैड क्रॉप्स ठीक है बच्चे वो थर्ड टाइप ऑफ क्रॉप होती है उसको क्या कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एज जैड क्रॉप्स ठीक है और खास बात जेद क्रॉप्स की क्या होती है कि उनका वाटर कंटेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है क्यों क्योंकि गर्मी में जो है पानी की जरूरत पड़ती है डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है तो वाटर मेलन है मस्क मेलन है क्यूकं है ये सब एग्जाम्पल आपके किसके हो जाएंगे दीज द एक्साम्पल्स ऑफ योर जेद क्रॉप्स अंडरस्टैंड दैट तो ये तीन तरीके की ब्रॉडली अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो दो तरीके की क्लासिफिकेशन होता है लेकिन कुछ फार्मर्स जो हैं ये तीसरे टाइप ऑफ क्रॉप्स भी जो है वो ग्रो करते हैं सो पूरा बेसिकली क्या हो गया कि तीन क्लासिफिकेशन हो गया तीन लेवल पे क्लासिफिकेशन हो गया हमारा ये तीन तरीके की क्रॉप जो है वो ग्रो करी जाती है अंडरस्टैंड दैट तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए बच्चे पल्सिस हैं वेजिटेबल्स हैं ये कब ग्रो करी जाती है समर के दौरान जो है ये ग्रो करी जा रही होती है ठीक है बेटा तो अब हम लोगों ने क्रॉप्स के बारे में जान लिया कि भाई क्रॉप्स क्या होती है किस-किस तरीके की क्रॉप्स होती हैं ठीक है थीके? और हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ सीजन भी उसको उसका क्लासिफिकेशन देख लिया कि सीजन के बेसिस पे कैसे हम क्रॉप्स को क्लासिफाई करते हैं ठीक है नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द बेसिक

तो अगर हम लोग बेसिक प्रैक्टिसेस की बात करें कि फार्मर्स जो होता है वो क्या करता है कह रहे हैं कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स कल्टीवेशन माने कि उसको इस तरीके से उसको उगाना उसकी देखभाल करना फिर उसको जो है वो जब टाइम हो जाए तो हार्वेस्ट कर लेना स्टोर करना ये सारा क्या कहलाता है ये क्या कहलाता है बच्चे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स ठीक है तो ये कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप क्या होता है इसके अंदर बहुत ढेर सारे अलग अलग स्टेप्स होते हैं जो कि फार्मर्स जो है वो वक्त बे वक्त करते रहते हैं और उन सारे को को उन सारे स्टेप्स क्या कहते हैं आर कॉल्ड एज योर एग्रीकल्चरल अंडरस्टैंड दैट तो इसको यही चीज हम लोगों को पढ़ाई कि भाई आखिर कौन कौन सी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं फार्मर्स तो सबसे पहला जो स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड एज योर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि सॉइल को तैयार करते हैं बच्चे सोयल तैयार होने के बाद क्या करते हैं वो सोइंग करते हैं यानी कि उसमें बीज बोते हैं और बीज बोने के बाद क्या करते हैं उसमें सॉइल में जो है वो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं ताकि वो सॉइल जो है वो और भी अच्छी फर्टाइल हो जाए और हम सारे प्लांट्स को हम जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से न्यूट्रिय मिल जाए ठीक है उसके बाद क्या करते हैं भाई खेत में पानी लगाते हैं इरीगेशन करते हैं इरीगेशन करने के बाद क्या करेंगे आप प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स अब क्या होते हैं उसमें से कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट्स निकल आते हैं जिनको आप नहीं चाहते हैं अब वो क्या करेंगे आपने जो मैन्योर फर्टिलाइजर वगैरह डाला पानी डाला ठीक है ना जगह है सनलाइट है ये सारी चीजें आपके नॉर्मल प्लांट्स को पूरी तरीके से मिल पाए इस वजह से ये खामा खां के जो खुद से उग जाते हैं वीड्स जो होते हैं अनवॉन्टेड प्लांट्स इनको जो है वो हटा दिया जाता है इससे प्रोटेक्ट करा जाता है अपने क्रॉप्स को ठीक है ये प्रोटेक्शन करा जाता है उसके बाद क्या करते हैं बच्चे जब आपकी फसल तैयार हो जाती है तो उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है मैंने काट लिया जाता है इस तरीके से एट लास्ट क्या करा जाता है जो भी हमने क्रॉप प्रोड्यूस करी है बच्चे उसका स्टोरेज होता है स्टोरेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई उसमें फबून ना लग जाए यानी कि फंगस ना लग जाए उसमें क्या हुआ वो चीज खराब ना हो जाए कोई एनिमल जो है उसको चूहा वगैरह कुतर ना जाए तो ये सारी चीजों के लिए प्रॉपर स्टोरेज भी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है ओके सो ये सारे स्टेप्स हम लोगों को इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने हैं बच्चे सो so चलिए शुरू करते हैं अपना पहला स्टेप दैट इज कॉल्ड एज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ठीक है तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप क्रॉप को ग्रो करने से पहले जिस सॉइल में हम उसको ग्रो करने जा रहे हैं उसकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है तो उसके लिए क्या करा जाता है टर्न द सॉइल एंड लूज इट सॉइल जो होती है उसको टर्न कर दिया जाता है और पूरा इसको जो है वो लूज कर दिया जाता है ठीक है अब इससे फायदा क्या होता है क्यों आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं तो वही कह रहे हैं दिस अलाउज द रूट्स टू डीप इन द यानी कि ने जब इस तरीके से आपने लूज कर दिया तो आसानी से रूट्स जो है वो अब सीड से छोटा सा बेबी प्लांट है ना उसके अंदर तो वो धीरे 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 ग्रो करेगा उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है अभी तो क्या हो रहा है धीरे 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 वो तो सीड जो है वो अपनी रूट को जो है वो ग्रो करता है और इस तरीके से उसके अंदर एक्सपेंड करता हुआ चला जाता है जब आसानी से लूज होती है वो सॉइल तो आसानी से वो पेनीट्रेट कर जाता है दूसरी और बात क्या होती है द लूज सॉयल अलाउज द रूट्स टू ब्रीद इजिली वेन दे गो डीप इन टू द सॉइल यानी कि क्या हुआ जब आपने लूज कर दिया तो उसके अंदर जो है वो के अंदर अच्छे से एयर आ गई बच्चे ठीक है एज यू कैन सी हेयर डायग्राम यहाँ पे क्या है एरेशन से पहले यानी कि सॉइल को लूज आपने नहीं किया था तो रूट इस तरीके से पेनिट्रेट करके यहां तक ब्रीथ कर पा रही है यहां तक एयर मौजूद है तो सिर्फ यहीं तक आ पा रही है अब आपने लूज कर दिया यहाँ पे तो उसकी वजह से क्या हुआ कि रूट्स आसानी से पेनिट्रेट भी कर जा रही है और पेनिट्रेट क्यों कर रही क्योंकि वहां पर एयर मौजूद है तो एयर को लेने के लिए इस तरीके से जड़े जो है वो अंदर इस तरीके से आ गई अंडरस्टैंड दैट

अब ह्यूमस क्या होता है जो ऑर्गेनिक मैटर होता है बच्चे डेड और डेड और रिकेइंग मैटर जो होता है प्लांट्स और एनिमल्स का वो क्या होता है वो सॉइल में जब ऐड हो जाता है तो उसको फर्टिलिटी बढ़ा देता है उसका ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा देता है ठीक है ना सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें बढ़ जाते हैं तो इस टॉप मोस्ट साइल को क्या कहा जाता है ह्यूमस कहा जाता है ठीक है और यही वजह है कि भाई आपके जो अर्थफॉर्म होते हैं वो प्लांट्स में इस तरीके से ह्यूमस सॉरी सॉइल में ह्यूमस ऐड करते हैं दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर अंडरस्टैंड दैट अब और क्या बात होती है बच्चे एक तो चीज हम लोगों ने देख ली कि ब्रीथ करने में हेल्प करता है सांस लेने में हेल्प कर रहा है रूट्स अच्छे से इस तरीके से पहुंच गई दूसरी बात क्या होती है कि भाई जब पानी आप उसमें डालते हैं तो पानी भी अंदर चला जाता है रूट जब अंदर की तरफ पेनेट्रेट करी हुई होती है तो उनको वॉटर भी आसानी से मिल जाता है ओके आगे क्या बात बता रहे हैं बच्चे कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं दे आर गोइंग टू बी गंपोज ठीक है ना वो डिकम्पोज होते हैं और डिकम्पोज होने के बाद क्या होते हैं वो सारे न्यूट्रिय जो होते हैं वो सॉइल में आसानी से मिल जाते हैं तो अर्थवॉर्म भी उसकी वजह से ग्रो कर रहा था ठीक है ना हमने पढ़ा था कि माइक्रोव भी उस पे ग्रो करते हैं तो माइक्रोव का क्या फायदा यहां पर जो माइक्रोव प्रेजेंट है वो सारे इनको डिट्रॉय करके यानी कि डिकम्पोज करके क्या करा इन्होंने ये न्यूट्रिय सॉइल के अंदर मिला दिए अब जब प्लांट ग्रो करेगा तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसके लिए फायदेमंद होता है तो यहां से वो यूज कर लेगा अंडरस्टैंड दैट यही चीज लिखिए प्लांट्स एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर एनिमेशन ओके बच्चे तो प्लांट्स ने इस तरीके से यूज करके उसको क्या कहते हैं इस्तेमाल कर लिया अब हमारा ये जो प्रोसेस था लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इसको बच्चे क्या कहते हैं दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर टिलिंग या फिर इसको क्या कहते हैं प्लोइंग कहा जाता है अंडरस्टैंड दैट अब देख रहे हैं आप किस तरीके से अलग अलग सॉइल जो है आपकी पूरी जो है, है टर्न कर दी जा रही है तो इसके लिए जो है, वो इस आयरन प्लो। प्लो का, का, का भी बना होता है ओके कह रहे हैं कि जब आप ये लूज कर रहे हैं ना सॉइल को लूज कर रहे हैं टर्न कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें पानी भी डाल लीजिए जरा सा तो क्या होता है उससे सॉइल जो है मिट्टी जो है आपकी मुलायम हो जाती है जब कब ये चीज कवर नहीं होती है जब आपकी सॉइल जो है वो काफी ज़्यादा ड्राई होती है ठीक है ताकि जो रूट ग्रो कर रही है उसको वहां पर पानी भी मिल जाए ठीक है कभी कभार क्या होता है जब सॉइल ड्राई हो जाती है तो हम उसको जब लूज करते हैं तोड़ते हैं तो क्या होता है वो बड़े बड़े पार्ट्स में बड़े बड़े चंक्स में जो है वो टूटती है उनको क्या कहते हैं बच्चे उनको कहते हैं क्रम्स ठीक है अब इन क्रम्स को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एकदम छोटा छोटा बिल्कुल बारीक बारीक कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है सॉइल इन टू ग्रीन साइज अंडरस्टैंड दैट तो यहां पे जैसा कि आप देख रहे हैं तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं एक प्लैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं ये क्रम्स को तोड़ने के लिए ठीक है तो इस तरीके से पूरी सॉइल को जो है वो क्या कर दिया जाता है लूज कर दिया जाता है ठीक है यानी कि क्या और क्या कर दिया टर्न कर दिया नीचे से ऊपर अब नीचे से ऊपर टर्न करने का क्या आप कह सकते सर लूज करने का चलिए बात समझ में आ रही है टर्न करने का टर्न क्यों कर रहे हैं टर्न करने का क्या फायदा होता है बच्चे की नीचे के जो मिनरल्स है ना वो इस तरीके से ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो रूट्स जब ग्रो कर रही होती है तो उनको सीड जब ग्रो कर रहे होते हैं ठीक है तो रूट्स आसानी से चीजें जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकती है ठीक है बच्चे अब क्या हुआ अब आपने लूज मान लीजिए छोड़ दिया हवा चलेगी पानी आएगा उसके साथ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ टॉपमोस्ट बह गई उड़ गई अब क्या हुआ की फर्टिलिटी खत्म हो गई तो उसकी वजह से क्या होता है को लेवल करना भी जरूरी होता है पानी लगाया पता चला इधर गड्ढा था एक गड्ढे में पानी भर गया बाकी क्रॉप्स को आपको पानी नहीं मिल पा रहा है तो ये सारे रीजन की वजह से क्या है कि सॉइल को लेवल करना भी जरूरी होता है ठीक है तो ये अभी हमारा वही फर्स्ट स्टेप चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सॉइल की तैयारी कर रहे हैं अभी हम ठीक है लेवल कर दिया इस तरीके से ठीक है लेवल करने के लिए क्या चीज इस्तेमाल हो रही है इस डिवाइस को क्या कहा जाता है? ठीक है बच्चे तो यहाँ पे भाई अमीर अगर फार्मर है तो बढ़िया उसके पास मशीन वशीन होती है जैसे देख रहे हैं आसानी से लेवल कर दे रहा है बेचारा गरीब किसान होता है तो अपना अलग अलग डिवाइस इस्तेमाल करता है कि हाँ भाई इस ऐसे ऐसे लेवल करते हैं ओके बच्चे और क्या बता रहे हैं कह रहे रहे कभी-कभार क्या होता है कि आप जब कर रहे हैं ना को तो वो मेन्योर बहुत अच्छे से जो है आपके पूरे सॉइल में मिल जाता है उससे सॉइल की फर्टिलिटी हल्की थोड़ी बहुत जो है वो इंक्रीज हो जाती है अंडरस्टैंड तो ये सारी चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहले हम लोगों ने प्लोइंग करी ठीक है उसको लूज किया टर्न करा, फिर हमने अगर जरूरत थी तो उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया। ग्रीन साइज का कर लिया फिर हम लोगों ने जब पूरी लूज हो चुकी थी अब क्या करा उसकी लेवलिंग कर दी लास्ट में क्या करा थोड़ा बहुत ऐड कर दिया सॉइल में तो इस तरीके से हमारी जो है वो सॉइल पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाती है तैयार हो जाती है ठीक है तो बीज जब लगाना है आपको दूसरा स्टेप जो है सोइंग जो है बीज लगाने से पहले क्या है कि थोड़ा बहुत पानी जो है उसको दे दिया जा रहा है ठीक है अब पानी दिया क्यों जा रहा है पानी देने का फायदा क्या हुआ बच्चे यहाँ पे अगर बात करें आपको याद होगा आपने बच्चे पहले क्लासेस में जो है वो छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सीड जो होती है वो दो तरीके की होती है ठीक है एक होती है मोनोकॉट और दूसरी होती है डाइकॉट

अब क्या होता है जब ये सीड को आप सो करते हैं क्या होता है वो धीरे 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 ग्रो करता है उसकी रूट्स निकलती हैं ठीक है उससे पहले क्या होता है जब वो ग्रो रूट्स नहीं कर रही हैं तो इनके अंदर इनके जो कोटेलिडेंस होते हैं इनके अंदर स्टोर्ड फूड होता है वो सीड क्या करता है यही से उस चीज को कंज्यूम करता है ओके लेट से, कि अब क्या होता है अब छोटा सा बेबी होता है तो बेबी को क्या कराया जाता है पूरे स्पून फीड कराया जाता है कि हाँ भाई चम्मच खिलाया विलया जाता है तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है जब तक इसकी रूट्स नहीं निकल रही है तब तक ये अपना खाना कहाँ से लेता है ये इस तरीके से कौडाला लेता है ठीक है जैसे आपने देखा होगा कि चना लिया चने को रात में भिगो दिया ठीक है ना तो अगले दिन या दो दिन बाद जो है उसको देखा तो उसमें हल्की सी पूछ निकल आई व्हाइट कलर की वो पूछ नहीं थी बच्चे क्या थी वो उसकी रूट्स थी ठीक है तो रूट्स धीरे धीरे डेवलप हो जाती है तो क्यों सबसे पहले रूट्स क्यों डेवलप हो रही है तो रूट इस तरीके से डेवलप हो गई अब क्या हुआ इसका यहाँ का खाना खत्म हो जाएगा और वो क्या करेगा वो सॉइल से एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा जो भी न्यूट्रिय होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए टूर पे जा रहे हैं कहीं ठीक है तो टूर में जाने के लिए क्या है अपने बैग में जो है अपने चिप्स कुरकुरे फलाना ढिमकाना सारी चीजें जो है रख ली अब क्या हुआ मान लो दो दिन का टूर है अब रास्ते में तो हमारी सारी चीजें खत्म हो जाएगी वहां जब पहुंचोगे तो वहां का खाना खाना पड़ेगा ना तो इसी तरीके से ये भी करते हैं यहाँ पे क्या हुआ इनके पास पैक्ड फूड अपना था यहाँ क्या हुआ जब ये ग्रो कर रहे थे रूट्स इनकी नहीं ग्रो करी थी तो इन्होंने इस खाने का इस्तेमाल किया जब रूट ग्रो करने लगी तो वहां पे जो सॉयल में चीजें प्रेजेंट है उसका इस्तेमाल करने लगे फिर कुछ वक्त बाद इसकी शूट भी डेवलप हो जाती है इसकी लीव्स आ जाती हैं जब लीव्स इसकी आ गई तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना खाना खुद बनाने लगता है अंडरस्टैंड दैट तो इस तरीके से जो है यहां पर ये चीज जरूरी होती है कि पानी वगैरह भी थोड़ा बहुत आप प्रोवाइड कर दें ओके okay. तो बच्चे अगली चीज देखते हैं एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स यानी कि यह सारी चीजें हम लोग सोइंग कर रहे हैं लेवलिंग कर रहे हैं तमाम चीजें कर रहे हैं उसके लिए कौन कौन सी डिवाइसेस यूज हो रहे हैं कौन कौन से टूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं उनको कहते हैं एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरलेंट इम्प्लीमेंट्स ठीक है तो देख लेते हैं कौन कौन से क्या कहते हैं हम लोग टूल्स वगैरह जो है वो यूज कर रहे होते हैं बच्चे तो ये क्या होता है हम लोगों ने अभी बात करी प्लो होता है हो होता है और इसी तरीके से ये क्या है बच्चे दैट इज दी कल्टिवेटर ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा पढ़ लेते हैं एक एक के बारे में कि क्या क्या होता है किन किन चीजों से बना होता है सो एज यू कैन सी ये आपका प्लो होता है इसके हम लोग यूज की बात करें काम किस आता है इट इज यूज फॉर दी टिलिंग ऑफ सॉइल Soil की टिलिंग करने के लिए एडिंग फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स भी ऐड करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है वीड्स को रिमूव करने के लिए और स्क्रैपिंग ऑफ स्क्रैप मतलब कि ऊपर से खुरज करके हटाना किसी भी चीज को उसके लिए भी हमारा प्लो जो है वो इस्तेमाल होता है ठीक है और जिस तरीके से आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं तो क्या है इसको बैल के द्वारा जो है वो खींचा जाता है यानी कि बुल्स के ऊपर इस तरीके से रख दिया जाता है एंड इट हैज बीन पुल्ड बाय द बुल्स ओके यहां पर बच्चे आप इस तरीके से देख रहे हैं एक लंबा सा लॉग होता है किस चीज का बना होता है ये वुड का बना होता है बेसिकली इसको क्या कहते हैं इसको प्लो शाफ्ट कहा जाता है ठीक है इसी तरीके से यहां पर एक पार्ट आता है जिसको क्या कहा जाता है एक पूरी स्ट्रिप यहां पर यह देख रहे हैं आप इस तरीके से पूरी स्ट्रिप एक मौजूद है ठीक है और यहां पर इस जगह बीच में क्या होती है एक आयरन स्ट्रिप होती है जिसको क्या कहते हैं प्लोशियर एज यू कैन सी हेयर

टिलिंग ऑफ सॉइल के लिए ये भी इस्तेमाल होता है अब इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये बीम होती है ये बीम भी बैल के ऊपर इस तरीके से बुल्स के ऊपर रख दी जाएगी बच्चे ठीक है ये या तो वुड की बनी होती हो या आयरन की बनी होती है ठीक है और उसमें जैसे एक आयरन शाफ्ट था इस तरीके से एक आयरन का पीस था इसमें क्या होता है पूरा एक ब्लेड होता है ठीक है अब जैसे आपने देखा होगा बच्चे आ, जैसे कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है ठीक है तो वो क्या होता है उस, उनके पास जो इस तरीके से टूल होता है जैसे सीमेंट वो जो है मिला रहे होते हैं तो उसमें आगे इस तरीके से ब्लेड लगा होता है तो सिमिलरली यहां पर भी इस तरीके से ऐसे एक ब्लेड लगा रहता है इसको क्या कहते हैं तो इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या कहते हैं ब्लेड कहते हैं और ये पूरा टूल आपका क्या हो गया दैट इज कॉल्ड एज योर हो ठीक है अब भाई आ गए हमारे अमीर फार्मर आ गए तो इनके पास क्या है इनके पास पूरा ये जो है ट्रैक्टर होता है आजकल जो है वो ज्यादातर यही यूज कर रहे हैं क्यों क्योंकि ये जो है वो लेबर और टाइम दोनों को ही सेव करता है ना ज्यादा मेहनत लगती है ना ज्यादा वक्त लगता है हाँ, डीजल वगैरह होता 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 है होता है है थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा लेकिन जिन फार्मर्स के पास पैसा होता है, वो क्या करते हैं वो ट्रैक्टर चला करके जो है अपनी पूरी सॉइल को जो है वो इस तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं अंडरस्टैंड दैट तो ये बच्चे हम लोगों ने अभी तक क्या करा फर्स्ट स्टेप पढ़ा है दैट इज योर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल अब सॉइल हमारी तैयार हो गई अब हम लोग क्या करेंगे

तलाश करते हैं एच वाई वी सीड्स ठीक है बच्चे तो ये नाम याद रखना कौन सी सीड्स होती हैं एच वाईवी सीड्स क्या कहते हैं इसको क्या एच वाई वी स्टैंड फॉर वॉट हाई यील्डिंग वैरायटी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लेते हैं फार्मर्स ठीक है बाजार में मिलती है अच्छा दूसरी चीज किस तरीके से लेते हैं दूसरी क्या क्या बात करते हैं वो कि सीड्स अच्छी हैं कि नहीं अच्छी हैं क्या करा जाता है फार्मर ऐसे करके मान लीजिए साहब आप फार्मर हैं एक बकेट लेंगे ठीक है वो सारी सीड्स जो आप लेकर के आए उस बकेट में आपने इस तरीके से डाल दिया ठीक है अब क्या होगा अब वो कुछ सीड्स जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगी कुछ सीड्स जो है वो फ्लोट करने लगेंगी तो जो फ्लोट कर रही होती है वो सीड्स को निकाल करके हटा दिया जाता है क्योंकि वो खराब होती है क्यों खराब क्यों हुई साहब अब क्या हुआ मान लीजिए आप कोई माइक्रो लग गया तो क्या हुआ उसने अंदर से सीड को खाना शुरू कर दिया तो हल्की हो गई तो भारी सीड्स होती, जिनके अंदर सारी होती बढ़िया होता है फूड स्टोरेज अच्छा होता है वो सेटल डाउन कर जाती है तो नीचे वाली सीड जो होती है वो फार्मर इस्तेमाल कर लेते हैं अंडरस्टैंड दैट तो ये कुछ तरीके होते हैं कि जिससे फार्मर जो है वो सीड्स का पहचान की पहचान करते हैं अब क्या हुआ बच्चे या आप जिस तरीके से ये डायग्राम देख रहे हैं पीछे जो फोटो बनी हुई है तो इसमें क्या होता है ये खास ख्याल रखा जाता है कि एक अप्रोप्रिएट दूरी पर जो है वो सीड्स को सो किया जाए सो सीड जब बो रहे हैं तो अच्छी खासी ठीक ठाक दूरी पर जो है करें ये नहीं कि एक साथ सारे सीड्स इस तरीके से ऐसे ऐसे करके लगा दिया ठीक है अब इसकी वजह से क्या होगा ओवर क्राउडिंग जो है वो रुक जाएगी ठीक है अब भाई जाहिर सी बात है आपने उसमें न्यूट्रिएंट्स डाले तमाम चीजें अब एक ही जगह सारे रहेंगे तो उस जगह से सारे प्लांट्स इधर से उधर तो जा नहीं सकते ठीक है अब रूट्स प्लांट्स की जो है वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही है तो क्या हो रहा है वहां पर कि सारी सीड्स जो है वो एक ही जगह से जो है वो आपके तमाम सारी चीजें जो है वो एब्जॉर्ब कर रही हैं तो किसी को भी पूरी सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी प्लांट बड़ा होगा तो क्या है पता चला कि भाई पूरी सनलाइट भी नहीं मिल पा रही है जगह भी नहीं मिल पा रही है पानी भी नहीं मिल पा रहा है तो ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं इस वजह से क्या होता है प्रॉपर दूरी में जो है वो प्लांट्स को लगाया जाता है तो वही चीज बता रहे हैं कि दिस अलाउस प्लांट टू गेट सफिशियंट सनलाइट न्यूट्रिय एंड वॉटर फ्रॉम द सॉइल ठीक है तो ये तरीके होते हैं बच्चे कह रहे हैं कभी कभार अगर जब

सीड ले करके इस तरीके से ऐसे करके पूरे फ्रीड में जो है वो फेंक दिया इस तरीके से पूरे में बिखरा दिया तो वो स्टेप क्या कहलाता है पर्टिकुलर स्टेप कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग ठीक है बच्चे पूरी इस तरीके से सीड को ऐसे ऐसे डाल दिया अब वो वहां पर हल्का सा जो है ट्रेड कर जाएंगी और वहां से जो है वो ग्रो कर जाएंगी लेकिन क्या होता है इसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है क्या हुआ किसी कोई बर्ड है बर्ड ने देखा सीड प्रेजेंट है वहां पर आई दाना चुप के चली गई सीड आपका डिस्ट्रॉय हो गया ठीक है तो ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मेथड नहीं था इसकी वजह से जो है वो अलग अलग टूल्स जो है वो इस्तेमाल करे जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल टूल्स की बात कर लेते हैं जो पहले के वक्त में इस्तेमाल हुआ करता था तो ये क्या बता रहे हैं कि एक फनल टेप शेप टूल हुआ करता था इससे भी पहले एक इस तरीके से बिल्कुल एक लंबा सा फनल ले लिया किस तरीके का एक सिंपल फनल है उसमें एक लंबी सी जो है वो इस तरीके से लाइन लगी हुई है लेट से लाइक दिस ठीक है अब इसको लिया फार्मर ने ऐसे करके गढ़ाया उसमें ठीक है और इस तरीके से आपके ऊपर से सीड डाल दी अब सीड जो है वो थोड़ा सा अंदर जाकर के जो है वो पहुंच जाती है अब जब अंदर पहुंच गई तो क्या हो जाएगा आपकी बर्ड्स को वो नहीं नजर आएंगी तो बर्ड्स उनको नहीं खा सकती ठीक है जब इस तरीके तो इसी बेसिस पे इसी के आइडिया ये जो है इस तरीके से ये डिवाइस बनाया गया था इसमें क्या होता है इस तरीके से ये फनल मौजूद है यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर सीड्स प्रेजेंट है और ये सीड यहाँ से ट्रांसफर होकर के इस तरीके से ये अंदर जाता है सॉइल के अंदर और वहां पर जाकर के प्लांट हो जाता है इक्वल द्यूरी भी इस तरीके से यहाँ पे मेंटेन हो जाती है तो इस तरीके से ये टूल बनाया गया था ठीक है तो आप इस तरीके से एनिमेशन में देखिए बच्चे वहां पे क्या करा सीड्स फिल कर दी गई तो और क्या होता है पास थ्रू टू टू थ्री हैविंग शेप एंड्स शार्प एंड्स वहाँ पे शार्प एंड्स शार्प शार्प वहां वहां पे हैं और से से क्या होता है है इस तरीके से निकलते हुए चला जाता ठीक है थीके? अभी किसी जानवर से उसको बांध लिया जाता है तो बैल से बांध लिया जाता है या इस तरीके से आप देख रहे हैं तो इस तरीके से बिल्कुल बराबर पे इक्वल डिस्टेंस पे आपके सीड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हुए चले जाते हैं अंडरस्टैंड दैट बच्चे दूसरी चीज जो है तो ट्रैक्टर आ गया है तो क्या हुआ यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म है और इसमें जो है वही सारी चीज रही है सीड यहाँ पे मौजूद होती है और ये क्या है इसके शार्प एंड से जो है वो सीड्स निकलती हुई चली जाती है ओके तो वही चीज लिखिए कि सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स तो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके वो चीज जो है वो करी जाती है ठीक है तो प्रॉपर प्रॉपर डेप्थ पे और प्रॉपर डिस्टेंस दोनों चीजें से जो है वो मेंटेन हो जाती है आपकी सीड जहां पर आपको सो करना है ठीक है और खास, खास बात होती है इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द दॉइल आफ्टर सोइंग यानी कि पीछे वाला जो जो पार्ट होता है वो क्या करता है उसके बाद सीड आपकी चलेगी उसके अंदर तो वो आपकी सोइल को दोबारा से बराबर कर देता है ताकि सीड जो है वो कवर हो जाए कोई प्लांट से कोई भी एनिमल या फिर बर्ड जो है आकर के उसको चुग न ले खा ना ले ताकि आपकी सीड जो है वो बराबर सॉरी तो खराब ना हो अंडरस्टैंड दैट यही चीज बता दी बच्चे बर्ड्स क्योंकि बर्ड्स उनको खा लेती हैं तो इस वजह से जो है ये चीज यहां पर कर दी अब ये चीज कर दी तो उससे क्या होगा जब ट्रैक्टर से कर रहे हैं एक साथ ये बैठे हुए चलाते चले जा रहे हैं तमाम काम होता चला जा रहा है तो टाइम भी आपका बच रहा है और लेबर भी बच रहा है यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है और बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लग रहा है अंडरस्टैंड दैट स्टूडेंट्स

फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट मेन्योर ग्रोथ के अंदर कुछ, डाले जाते, कुछ जाते, उनको मिलते हैं न्यूट्रियो को, को क्या कहते हैं है है. अब क्या बात है कि भाई प्लांट जब भी ग्रो करता है आपका तो क्या होता है भाई सॉइल होती है उस सॉइल में से वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो इस्तेमाल करता है लेकिन वक्त के साथ क्या होगा भाई आप न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे हैं तो क्या होगा वो कम हो जाएगा ठीक है अब अगर कम हो गया क्यों, क्यों क्योंकि चाहिए उनको ग्रोथ के लिए किस चीज के लिए ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो जरूरी होते हैं ठीक है बच्चे अब क्या होता है कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यूस ग्रो करते चले चले जा रहे हैं क्या हो जाएगा सॉइल आपकी जो है वो खराब होती जाएगी क्यों क्योंकि न्यूट्रिय की कमी हो गई ठीक है तो इसी वजह से क्या होता है फार्मर्स को उसमें मेन्योर्स ऐड करना पड़ता है या फिर फर्टिलाइजर्स एड करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू रिप्लेनिश द दॉइल ठीक है सॉइल में आपके जो एलिमेंट्स हैं जो मिनरल्स हैं वो दोबारा से आ जाए इस वजह से सॉइल में क्या करना होता है न्यूट्रिएंट्स यानी कि ऐड करने होते हैं क्या किस तरीके से या तो फर्टिलाइजर ऐड करते हैं या फिर मेन्योर ऐड करते हैं तो मेन्योर ऐड करने का प्रोसेस जो होता है दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर मेन्योरिंग क्यों ऐड कर रहे हैं क्योंकि भाई सोयल, जब हम उसमें सोयल में प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं बच्चे आपने करते -करते है? कि है, है. तो नहीं किया तो क्या होगा इमर और इनसफिशियंट मेन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स ठीक है अगर आपको आप प्रॉपर मेन्योरिंग नहीं कर रहे हैं या जितनी सफिशियंट थी जितनी चाहिए थी उसको न्यूट्रिएंट्स

ठीक है तो मेन्योर पढ़ लिया अभी मेन्योर ऐड करने से क्या हुआ दूसरी चीज क्या पढ़ लेते हैं हम लोग फर्टिलाइजर्स आखिर फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बच्चे तो फर्टिलाइजर्स की अगर बात करें तो फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेज विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिय सबसे खास बात यह होती है फर्टिलाइजर की कि क्या होता है एक पर्टिकुलर न्यूट्रियट में वो रिच होते हैं तो इससे क्या होता है कि भाई जिस भी तरीके का आपको फर्टिलाइजर चाहिए वो क्या होता है वो जो भी न्यूट्रिय कम एलेट से कि आपकी सॉइल में नाइट्रोजन कम है आप ऐसा फर्टिलाइजर ला जिससे आपको नाइट्रोजन मिल जाए मेन्यूर में क्या होता है मेन्यूर में न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट कम होती है लेकिन क्या होते हैं वो सारे के सारे अमाउंट को को न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिप्लेनिश करता है फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं भैया ये केमिकल्स होते हैं जो कि फैक्ट्रीज वगैरह में आपके जो है वो इंडस्ट्रीज में बनते हैं ठीक है वहीं से पैक हो जाते हैं और इस तरीके से आकर के जो है वो वहां पर डाल दिया जाता है अगर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें बच्चे सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम तो क्या होता है ये यूरिया है अमोनियम सल्फेट है ठीक है सुपरफॉस्फेट है पोटैश है एनपीके ये सबसे ज्यादा यूज होता है एनपीके एनपीके एनपी स्टैंड फॉर नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम तो ये वाला फर्टिलाइजर तो हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं जो भी न्यूट्रिएंट की कमी होती है फार्मर क्या करता है अपने सॉइल को टेस्ट करवाता है और वही वाला न्यूट्रिएंट यानी कि वही वाला फर्टिलाइजर ला करके अपनी सॉइल में जो है वो डाल लेता है अंडरस्टैंड तो उसकी कमी जो है वो पूरी हो जाती है

उसकी वजह से सॉइल खराब हो जाएगी और आपकी सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल हो जाएगी इस तरीके से कुछ आपकी सॉइल हो जाएगी तो क्यों क्योंकि ये केमिकल्स भैया इंडस्ट्रीज में बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं ठीक है और कभी कभार क्या होता है ये और भी ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं कैसे कि ये फर्टिलाइजर आपने यहां पर क्रॉप्स में ऐड किए ये सीप डाउन होकर के क्या है एक्वेटिक हैबिटेट आसपास जो होता है जहां से पानी वगैरह आ रहा होता है सोर्स ऑफ वाटर को जो है वो वहां पे पॉल्यूट कर देते हैं ठीक है तो उसमें क्या हो जाता है वो चीजें और ज्यादा पॉइनस हो जाती हैं किन के लिए जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको फिर जा करके ये हार्म करता है अंडरस्टैंड दैट इसी वजह से क्या होता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर बाय ऑर्गेनिक मेन्यू तो क्या करना चाहिए हमको मेन्योर इस्तेमाल करना चाहिए क्यों क्योंकि मेन्योर क्या कर रहा है सॉइल में बल्क भी ऐड कर रहा है ह्यूमस भी ऐड करता है ठीक है बस इतनी दिक्कत क्या होती है इसकी जो है वो क्या कहते हैं इतना ज्यादा बल्क होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है फर्टिलाइजर क्या हुआ फैक्ट्री में बन रहा है वही बैग में पैक वैग हो गया आसानी से लेकर के लेकर के उसका ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है ठीक है बच्चे तो यहां पर क्या बता रहे हैं कि भाई आप ऑर्गेनिक मेन्योर यूज करिए उस फर्टिलाइजर की जगह ताकि आपकी सॉइल जो है वो ज्यादा खराब नहीं हो और क्या फार्मर करते हैं कि लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड या फिर फैलो दो क्रॉप्स के बीच में ठीक है जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना खरीफ और रबी क्रॉप तो उनके बीच में क्या हुआ अब वो गर्मी वाला सीजन तो जो था उसमें ग्रो नहीं करा उसकी इस तरीके से ऐसे ही छोड़ दिया अब जब छोड़ दिया उसके अंदर ग्रो नहीं करे तो नेचुरली क्या होता है जो भी मिनरल्स उसमें सॉयल में प्रेजेंट होते हैं वो दोबारा से बच्चे आपके रिप्लेनिश हो जाते हैं तो फार्मर्स ये भी करते हैं ठीक है अब क्या कह रहे हैं कि द यूज ऑफ इंप्रूव सॉइल टेक्सचर एज एज वेल वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ये बहुत ही खास बात होती है की जो कि फर्टिलाइजर नहीं कर पाते हैं ठीक है वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ा रहे यानी कि वाटर सीप डाउन होकर बहुत ज्यादा नीचे नहीं पहुंचता है यहां पर रहता है और आसानी से इसको जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है तो सॉइल को आपकी जो है रूट है प्लांट्स हैं आपको आसानी से उसके पानी जो है वो मिल जाता है सॉइल का टेक्सचर जो है वो भी इंप्रूव कर देते हैं मेन्योअर्स आपके जो होते हैं ठीक है तो इट रिप्लेनिश दॉइल विद ऑल द न्यूट्रिय सबसे ज्यादा खास बात होती है फर्टिलाइजर में हम लोगों ने क्या देखा कि वो न्यूट्रिय स्पेसिफिक होता है एक सिंगल टाइप ऑफ न्यूट्रिय जो होता है जिसकी कमी होती है वो उसके लिए आप डालते हैं यहां पे क्या बात हो रही है ये सारे के सारे न्यूट्रिय जो है वो आपके यहां पर एड कर देते हैं आपके सारे न्यूट्रिय जो है वो रिप्लेनिश कर देते हैं अंडरस्टैंड दैट तो दो मेथड हम लोगों ने देखा कि भाई मेन्योर का इस्तेमाल कर लें दूसरा मेथड क्या देखा कि या तो फैलो छोड़ दें तीसरा मेथड क्या है एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज क्रॉप रोटेशन यानी कि रोटेशन में क्रॉप्स को ग्रो करना यानी कि ऐसी क्रॉप्स ग्रो करना लेट्स से कि आप एक क्रॉप ग्रो कर रहे हैं लेट्स से वीट ग्रो कर रहे हैं वीट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए बच्चे नाइट्रोजन का नाइट्रोजन चाहिए होती है ठीक है तो अब क्या हुआ कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है यानी कि नाइट्रेट्स प्रेजेंट है वीट के प्लांट ने उन नाइट्रेट्स को जो है वो इस्तेमाल कर लिया पूरा अपना बढ़िया से क्रॉप क्रॉप हुई ठीक है अब उसके बाद क्या हुआ जाहिर सी बात है जब सारी क्रॉप ने जो है नाइट्रोजन ले लिया तो नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी

क्या, क्या, तो क्या कर उनका काम क्या होता है वो नाइट्रेट्स को जो है वो रिप्लेनिश कर देते हैं यानी कि अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन को दोबारा से रिप्लेनिश कर देते हैं सॉइल में ठीक है तो इससे क्या हुआ कि दोबारा से रिप्लेनिश हो गया नाइट्रोजन आ गया आपने दोबारा से फिर अब जो है, वो Wheat grow कर सकते हैं। तो एक में आप वीट ग्रो कर, कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है को दुबारा दुबारा, को, अलग अलग क्रॉप को लगाना दैट इज कॉल्ड एज दी प्रोसेस ऑफ क्रॉप रोटेशन अंडरस्टैंड डिफरेंट क्रॉप ऑल्टरनेटिवली अलग अलग उस पर जो है वो क्रॉप ग्रो कर दिया जा, जाता है अंडरस्टैंड बच्चे वही बात बता रहे हैं कि अर्लियर फार्मर्स इन द नॉर्थ इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज लेग्यूमस इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वही चीज बता रहे हैं कि पहले क्या करते थे फार्मर एक में, एक में 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 सीजन सीजन लेग्यूम्स को ग्रो किया अगले में क्या करते थे वीट को ग्रो कर देते थे तो वीट ने जो न्यूट्रिय लिए वो उन्होंने क्या कहते हैं लेग्यूम्स ने जो है आपके रिप्लेनिश कर दिए तो इस तरीके से क्रॉप रोटेशन जो है बच्चे होता है जैसी है दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विद नाइट्रोजन लेग्यूम्स के अंदर क्या प्रेजेंट है राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है इस तरीके से इनके नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एसोसिएशन होता है किस चीज का प्लांट्स की रूट्स का यानी कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स का और राइजोबियम बैक्टीरिया का ठीक है तो ये कैसा एसोसिएशन होता है बच्चे दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसमें दोनों ही पार्टनर्स क्या करते हैं एक दूसरे से फायदा उठाते हैं क्या हो रहा है प्लांट उनको शेल्टर दे रहा है उनको फूड दे देता है ये बैक्टीरिया क्या करते हैं ये उनको नाइट्रोजन दे, दे देते हैं क्योंकि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है वो प्लांट डायरेक्टली एब्सार्व कर पाता है तो क्या करता है उस नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं यानी कि नाइट्रेट्स के फॉर्म में करते हैं और नाइट्रेट्स के फॉर्म में वो जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं इस वजह से जो है ये एक ऐसी एसोसिएशन होती है जिसमें दोनों फायदेमंद होते हैं दैट एसोसिएशन इज कॉल्ड सिंबायोटिक नाइट्रोजन कन्वर्ट कर दिया के में जिसको जो है नाइट्रोजन तो इसी तरीके से जो है वो रिप्लेनिश हो गई ठीक है तो इसी वजह से क्या कहा जाता है कि फार्मर्स को एंकरेज करा जाता है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा ये वाले प्रैक्टिस करिए क्योंकि इससे जो है कोई नुकसान जो है वो नहीं है अंडरस्टैंड दैट बच्चों स्टूडेंट्स so यहां तक हम लोगों ने फर्टिलाइजर और मेन्योर के बारे में देखा जरा थोड़ा सा डिफरेंस और उनके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि तो इनका डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या क्या डिफरेंस होता है आपके फर्टिलाइजर और मेन्योर के बीच में और मेन्य के क्या एडवांटेजेस होते हैं फर्टिलाइजर्स के ऊपर ओके okay.

क्या बता रहे हैं फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिय फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन है फॉसफोरस है पोटेशियम है, है बहुत ही ज्यादा रिच होते हैं ये क्या होते हैं ये इनके अंदर बल्क ज्यादा होता है बट बहुत ज्यादा न्यूट्रिय जो है पर्टिकुलर क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिय स्पेसिफिक नहीं होते हैं सारे ही न्यूट्रिय को जो है वो रिप्लेनिश करते हैं तो क्या होता है उतने ज्यादा रिच नहीं होते हैं जितने ज्यादा रिच ये होते हैं जितने ज्यादा अमाउंट में जो है ये ऐड कर सकते हैं न्यूट्रिय को उतने ज्यादा अमाउंट में आपके मेन्यूअर्स नहीं एड कर पाते हैं अंडरस्टैंड दैट कह रहे हैं कि हम लोगों ने कहा कि मैन्योर ज्यादा एडवांटेजियस होता है क्यों होता है बच्चे सबसे सब पहली बात वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है कि भाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई तो रूट्स को आसानी से पानी मिल जाएगा ठीक है दूसरी चीज क्या कर रहा है कि ये आपके सॉइल को जो है वो पोरस बनाता है ठीक है ना यानी कि पोरोसिटी अच्छी होती है पोरोसिटी अच्छी होती है उसकी वजह से क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होते हैं वो ज्यादा आसानी से हो जाते हैं क्योंकि भाई रूट्स को भी तो ब्रीथ करना है वो भी तो इधर उधर जो है वो एक्सचेंज करेगा तो वो चीज आसानी हो जाती है

तीन स्टेप्स हम लोगों ने अपने पढ़ लिए बच्चे प्रिपरेशन ऑफ सोइल कर लिया हम लोगों ने हम लोगों ने सोइंग कर लिया उसके बाद हम लोगों ने मैन्योर एंड फर्टिलाइजर भी ऐड कर दिया ठीक है उनके बीच में डिफरेंस भी देख लिया और मैन्योर क्यों ज्यादा बेनिफिशियल है ये भी देख लिया ओके अब हम लोग को अपना चौथा स्टेप पढ़ना है दैट इज कॉल्ड एज इरीगेशन यानी कि खेत में अब पानी लगाने का वक्त आ गया है ठीक है बच्चे जस्सी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको पानी की जरूरत होती है वेदर दे आर प्लांट्स और वेदर दे आर एनिमल्स और ह्यूमंस और बर्ड्स ठीक है सबको जो है जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनको पानी की जरूरत होती है लाइफ को सस्टेन करने के लिए ठीक है वही चीज कह रहे हैं कि वॉटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट तो प्लांट को जो जरूरत पड़ रही है उनकी सीड को ग्रो करने के लिए फ्लावर्स को ग्रो करने के लिए फ्रूट्स को ग्रो करने के लिए इन सब चीजों को ग्रो करने के लिए क्या है जरूरत पड़ती है पानी की ठीक है इज बाय द प्लांट्स रूट्स तो प्लांट की जो रूट्स होती है ठीक है ना साथ में उसके मिनरल्स होते हैं वो सारी चीजें जो है वो क्या करती हैं रूट्स आपकी एब्जॉर्ब कर लेती हैं ठीक है जस्ट सी जस्सी द एनिमेशन ये वाटर आ गया बच्चे आपका ब्लू कलर में ये आपके मिनरल्स आ गए इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स भी हैं क्या हुआ फर्टिलाइजर्स भी उसके अंदर कुछ मौजूद है ठीक है तो ये सारी चीजें जो है वो रूट्स एब्जॉर्ब करके क्या करती हैं ऊपर पहुंचा देती हैं एक टिश्यू से इस टिश्यू का नाम क्या होता है बच्चे दैट इज कॉल्ड एज जाइलम जाइलम ठीक है की खास बात क्या होती है यहां पर जो होता है वो यूनि डायरेक्शनल फ्लो होता है यानी कि एक सिंगल डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं सारी चीजें जा रही होती हैं तो जाइलम से जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसा होता है वो यूनि डायरेक्शनल फ्लो होता है ठीक है बच्चे <laughs> क्या बता रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स ऐसे नहीं कि उड़ करके पहुंच जा रहे हैं बच्चे वो वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं और फिर वाटर को जो है इस तरीके से एब्सॉर्व करता है प्लांट प्लांट की रूट्स और यहां पर ट्रांसपोर्ट कर देता है ठीक है ना विद द हेल्प ऑफ द टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज जाइलम ठीक है बच्चे वही चीज बता रहे हैं कि प्लांट को आपने जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना ग्राम सीड लिया था ठीक है ना चला था उसको पानी में भिगोया था वो ग्रो कर गया था अभी तक वो ग्रो क्यों नहीं कर रहा था क्यों क्योंकि वो ड्राई कंडीशन थी उसको नहीं मिला था तो वही चीज है कि वॉटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन तो ड्राई कंडीशन में जर्मिनेशन नहीं होता है ठीक है उसके साथ और क्या होता है वाटर जो है क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है किन चीजों से बच्चे फ्रॉस्ट से भी और हॉट एयर करंट से भी मतलब फ्रॉस्ट पूरी, पूरी तो इन सारी कंडीशन से भी जो है पानी आपका बचाता है ठीक है तो ये सारी चीजें के लिए और क्रॉप्स में अपना मेंटेन करने के लिए मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन करने के लिए क्या होता है रेगुलरली आपकी क्रॉप्स में जो है वो पानी दिया जाता है ठीक है और पानी देने के इस प्रोसेस को क्या कहते हैं यही प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चे इरिगेशन कहलाता है यानी कि क्रॉप्स को पानी देना क्यों देना होता है वो सारी चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस करी अंडरस्टैंड खैर, तो बच्चे अब बात ये हुई कि भाई कई बार पानी देना पड़ता है तो कितना पानी देना है ये कैसे आप चूज करेंगे तो वही कह रहे हैं द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप किस तरीके की क्रॉप आप ग्रो कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है सॉइल टू सॉइल किस तरीके के सॉइल में आप ग्रो कर रहे हैं और तीसरी चीज क्या सीजन टू तो सीजन कैसे सीजन में आप उसको ग्रो कर रहे हैं अंडरस्टैंड दैट भाई जाहिर सी बात है अगर क्या हो जाएगा ऐसी क्रॉप होती है जिसको पानी की ज्यादा जरूरत होती है तो क्या होगा उसमें इरीगेशन ज्यादा करना पड़ेगा अगर हम लोग किसकी बात करें सॉइल टू सॉइल की बात करें तो मोस्टली क्लेई सॉयल और सैंडी सॉइल ये ज्यादातर यूज होती है हमारे नॉर्थ इंडिया में ठीक है तो क्ले ही क्या है उसकी जो है वो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है तो उसमें बहुत ज्यादा इरगेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी सैंडी सॉइल वेरास क्या होता है कि उसमें पर्कुलेट कर जाता है पानी नीचे तो उसमें कई बार आपको जो है वो क्या कहते हैं पानी देना पड़ेगा सीजन टू सीजन की बात करें भैया जाहिर सी बात है अगर गर्मी होगी वेपरेशन ज्यादा होगा बेटा तो पानी इरीगेशन देने की ज्यादा करना पड़ेगा विंटर में इतना ज्यादा इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है बच्चे तो किस तरीके से दे रहे हैं सुबह और शाम में मतलब कि डेफिनेट इंटरवल्स जो है वो होने जरूरी है तो वही चीज बता रही कि समर में क्या होगा वाटर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी क्यों क्योंकि इवेपरेशन होता है कहां कहां से होता है भाई सॉइल से और लीफ से दोनों से इवेपरेशन होता है तो पानी जो है वो ज्यादा देना पड़ता है ठीक है बच्चे तो लेट्स टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन की भाई अगर पानी ला रहे हैं तो कहां से ला रहे हैं क्या क्या सोर्सेज होते हैं वेल well हो सकता है हमारा कुआं कुएं से पानी इस तरीके से आ सकता है आजकल के जमाने में ट्यूबवेल जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है पॉन्ड्स हैं पॉन्ड्स भी इस्तेमाल करते हैं रिवर से पानी लिया जाता था अब तो बहुत ज्यादा रिवर से नहीं लिया जाता है पहले के वक्त में जो अर्ली सिविलाइजेशन थी वो रिवर्स के पास ही जो है वो सेटल हुई थी क्यों सेटल हुई थी बच्चे इसी वजह से क्योंकि पानी का मिलना आसान था वहां से पानी को जो है इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाता था ठीक है कैनाल सिस्टम होता है इस तरीके से कैनाल बना दिया जाता है बच्चे वहां से जो है वो पानी हासिल होता है ठीक है Now we have to talk about the ways, जिसमें हम लोग क्या करा करते थे? पानी को हासिल करा करते आप देख रहे हैं कि वेल है वेल के अंदर एक बकेट इस तरीके से बंदी हुई है अब क्या होता है इसको ऐसे करके ये घुमाया जाता है धीरे 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 तो ये धीरे 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 नीचे जा रहा है अब नीचे जाता है, जाता है जाता है जाता है उसमें जो है पानी भर गया आपने दोबारा से इसको घुमाया तो क्या हुआ ये चेन यहाँ पे बनती है ये इसके ऊपर लिपटती जाती है और यहां से ऐसे करके ये ऊपर आ जाता है और पानी लेकर के देखिए इन्होंने अपने खेत में डाल दिया तो ये सिस्टम क्या कहलाता है दैट इज कॉल्ड एज द मोड सिस्टम उसके बाद थोड़ा सा और एडवांस तो चेन पंप आया चेन पंप में अब क्या है कि इस तरीके से आपका ये पानी जो है ये इस तरीके से ऐसे करके घूमता जाता है और उसकी वजह से क्या है यहां से पानी आ करके जो है देख रहे हैं आप इस तरीके से यहां पर ये गिरता चला चला जाता है चेन पंप में मतलब कि कोई भी केनाल या रिवर इस तरीके से है ऊपर की तरफ वहां पर लेट मी मेक अ डायग्राम फॉर यू सो दैट इट कैन बी ऑल्सो क्लियर इस तरीके से चेन पंप सिस्टम है ठीक है अब यहां पे क्या हो रहा है इस तरीके से जब ये चेन चल रही है घूम रही है बच्चे ये व्हील्स इस तरीके से इसके साथ घूम रहे होते हैं तो ये क्या होता है ये पानी यहां से उठाया और यहां लाला करके के डाल देता है ठीक है इस तरीके से यहां पर यह हो रहा है देख रहे हैं आप कि वहां से उधर से, की तरफ से पानी से आपने हो अगर देखा पंप जो होता है, उसी के, के बेसिस पे बनाया है बच्चे ये अब क्या हुआ इधर साइड की तरफ एक लोड जो है वो टांग दिया यानी कि भारी सा वजन इधर की तरफ टांग दिया है यहां पर ठीक है अब क्या हुआ ये बकेट इस तरीके से इसको लेकर के ऐसे करके नीचे किया तो जब नीचे किया तो ये बकेट इसके अंदर आई इस तरीके से यहां पर और इसके अंदर पानी भर गया जब छोड़ा आपने तो इस वेट की वजह से ये फिर दोबारा से नीचे की तरफ आया और ये क्या होगा ये बकेट ऊपर आ जाएगी तो पानी भरा हुआ बकेट ऊपर आ जाता है उसका पानी का यूज कर लेकर के उसको जो है वो फील्ड में डाल दिया जाता है तो ये एक सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड एज द ढेकली सिस्टम और एट लास्ट आपके पास क्या आ जाता है राहत सिस्टम आ जाता है ये क्या होता है ये लिवर सिस्टम भी कहलाता है बच्चे इसमें क्या होता है कि इस तरीके से आप देख देखने बुल्स को गोल 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 ऐसे करके घुमाया जाता है उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे एक लीवर अटैच होता होता है है इससे जिसकी वजह से क्या होता है? यहां पे ये व्हील लगा होता है और उस व्हील के ऊपर बकेट्स लगे हुए हैं एज यू कैन सी हियर बकेट्स लगे हुए हैं ये क्या होता है बकेट जब इस तरीके से ऐसे घूम करके आया अंदर से पानी के निकला तो इस तरीके से जब ऐसे निकलता है इस तरीके से ऐसा है ये ऐसे पानी भरता हुआ ले आता है फिर आपने उसको इस तरीके से फील्ड में डाल देते हैं तो ये सारे सिस्टम बच्चे ये क्या है ट्रेडिशनल टूल्स हैं ट्रेडिशनल सिस्टम है जो कि पहले के वक्त में जो है वो हुआ करते थे तो वही चीज के दॉर अवेलेबल इन वेल्स लेक्स एंड कनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इनटू द फील्ड्स तो अलग अलग पे अलग अलग जगह पे मेथड का इस्तेमाल होता था ताकि पानी को जो है वो अलग अलग तरीके से जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए फील्ड में डाल दिया जाए <laughs> तो इन मेथड्स के लिए क्या का इस्तेमाल कर रहे देख रहे हैं आप पूरा ड्रम भर करके इस तरीके से लेकर के जा रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा लेस एफिशियंट भी है ये

आपने ये सारा सिस्टम देखा होगा ठीक है क्या क्या इस्तेमाल करा जाता है भाई डीजल है बायोगैस है इलेक्ट्रिसिटी है सोलर एनर्जी है अलग अलग चीजें जो है वो इन पंप्स को लगाने के लिए इस तरीके से पंप पंप है अब ये धड़ 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 पानी निकाल के जो है वो इस तरीके से दे, दे दे रहा है देखिए पहले बेचारों के पास हैंड पंप था हैंड पंप से काम करते थे फिर जो है इनके पास पैसे आ गए तो इन्होंने पंप लगा लिया अब ये पंप निकाल करके जो है पंप से जो है वो पानी इस तरीके से निकाल के देख रहे हैं पूरे उसमें जो है वो कर रहा है यहाँ पर क्या हुआ है भाई साहब बहुत ज्यादा एडवांस है इन्होंने सोलर पैनल लगवा लिया

छठ 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 पानी की धार पर ऐसे करके मारता रहता है तो उससे क्या होता है पानी पूरी फील्ड में इस तरीके से गोल गोल पूरी उसमें जो है वो फैल जाता है कुछ इस तरीके का स्प्रिंकलर सिस्टम होता है रोटेटिंग नजल यहाँ पर मौजूद है ये नजल क्या करता है ऐसे घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के पूरे उसमें जो है वो पानी फैला देता है ठीक है ना एक ऐसा नहीं कि मतलब कंटिन्यूअसली घूम रहा है एक रेगुलर इंटरवल पे ऐसे करके पानी दे रहा है बिधर दे रहा है थोड़ी देर बाद ऐसे घूम इधर दे रहा है फिर थोड़ी देर बाद ऐसे घूम इधर दे रहा है तो घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के सारी तरफ यानी कि थ्री सिक्सटी डिग्री में बच्चे क्या करता है ये पूरे में जो है वो पानी फैला देता है जस्ट लाइक दिस ठीक है ये नजल आपका जो है वो इस तरीके से जो है वो हर तरफ पूरे आपके उसमें जो है वो पानी फैला देता है जस्ट सी दिस पर्टिकुलर एनिमेशन ठीक है तो ऐसा लगता है कि क्या है, क्रॉप इफ इट इस रेनिंग। जैसे बारिश होती है उसी की तरीके से ये भी कर देता है क्या कह रहे हैं स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल क्योंकि उसमें रेगुलर पानी की जरूरत रहती है तो क्या और पूरे में डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होता है तो पूरे में इस तरीके से जो है वो फैला देता है दूसरा एक और सिस्टम होता है बच्चे जिसका नाम क्या होता है दैट इज कॉल्ड एज ड्रिप सिस्टम ठीक है अब इसमें क्या करा जाता है ये पूरा एक सिस्टम इस तरीके से बना होता है जो भी आपने एक लेयर लगा ये हर एक लेयर के साथ क्या है एक पाइपलाइन ऐसे करके बिछी रहती है और इसमें क्या होता है धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो पानी गिरता रहता है तो इससे क्या होता है पानी की बर्बादी भी बहुत कम होती है और सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर भी जो है वो प्लांट्स को मिल जाता है ठीक है तो ये ड्रिप सिस्टम ही जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट सिस्टम अभी तक आया है ठीक है बच्चे वही बता रहे हैं कि इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स गार्डन एंड ट्रीज ठीक है यहां देख रहे हैं आप इस तरीके से पाइप पड़ा हुआ है धीरे धीरे पानी छोड़ रहा है यहां पे भी इस तरीके से पूरी पाइपलाइन है देख रहे हैं एक एक ड्रॉप जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो गिराता रहता है बच्चे तो वेस्टेज ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इससे बच जाता है ठीक है वही चीज यहाँ पे लिखिए द सिस्टम प्रोवाइड वॉटर टू प्लांट ड्रॉप ड्रॉप वॉटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल और क्या बता रहे हैं बच्चे इट इज इज अ बून इन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ पुअर भाई पानी ऐसी भी तो जगह है जहां पे पानी बहुत ज्यादा कम है तो क्या है वहां के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है ठीक है ताकि पानी की बर्बादी भी ना हो प्लांट्स भी उग जाए और पीने को भी पानी मिल जाए ये तमाम चीजें जो है वो इस चीज से जो है वो हो सकती है अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स सो वी हैव इरिगेटेड नाउ लेट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम द वीड्स तो क्या है कुछ अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो कर जाते हैं उसको किस तरीके से हम लोग रिमूव करते हैं वीड होती क्या है बेसिकली इस चीज की बात करते हैं बच्चे तो यही कह रहा है कि इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप अब क्रॉप के साथ वो नेचुरली ग्रो कर गए हैं उनको चाहिए नहीं तो वो क्या है वो अनडिजायरेबल प्लांट्स क्या कहलाते हैं बच्चे वीड्स कहलाते हैं एज यू कैन सी हेयर इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर ठीक है कि यहाँ पे आपके पर्पल पर कलर के जो है वो सारे वीड्स जो है वो ग्रो कर चुके हैं अब क्या होता है ये इनके जो रिमूवल होता है दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज वीडिंग ठीक है बच्चे तो इनके रिमूवल को क्या कहते हैं वीडिंग कहते हैं अब वीडिंग जरूरी क्यों है अरे भाई प्लांट्स ग्रो करने तो नहीं क्या होता है वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंपीट विद द प्लांट्स वो हमने जो प्लांट्स ग्रो कराए उससे कंपीट करता है किन चीज के लिए वाटर के लिए लाइट के लिए स्पेस के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए भाई न्यूट्रिएंट्स हमने अपने प्लांट्स के लिए डाले थे यार क्रॉप हमारी ग्रो कर सके वो न्यूट्रिएंट्स ले जा रहे हैं वो पानी भी ले जा रहे हैं वो सनलाइट भी यूज कर रहे हैं वो स्पेस भी जगह भी घेर रहे हैं तो इस वजह से ये वीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्यों क्योंकि दे कैन इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ आर क्रॉप ठीक है वो हमारी क्रॉप की ग्रोथ को इफेक्ट कर सकते हैं देखो वीड ग्रो कर रही है बाकी हमने जो क्रॉप ग्रो करी थी उसकी बुरी हालत हो गई ठीक है क्योंकि उनको सारी चीजें जो है वो नहीं मिल पाई ठीक है बच्चे कह रहे हैं कि सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग यानी कि जब आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं अब इस तरीके से हो, हो गई ग्रो करके आ गई तो अब कैसे आप हार्वेस्ट करेंगे अब काटेंगे उसको एक साथ तो क्या होगा उसमें साथ में वीड वाले प्लांट्स भी आ रहे हैं वो वाले प्लांट्स भी आ रहे हैं आपके क्रॉप्स वाले प्लांट ठीक है तो हार्वेस्टिंग में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है और क्या होता है ये पॉइजनस भी होती है एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए भी इन जानवरों को मार देती है एनिमल्स ह्यूमंस में क्या हो रहा है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो जा रही है डिजीजेस हो जा रही है ठीक है तो इस वजह से इनका रिमूवल बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी होता है ओके तो क्या बता रहे हैं बच्चे कि फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू तो रिमूव वीड एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ ठीक है तो ये क्या है इस तरीके से ये देखिए पूरी तरीके से उखाड़ दिया कुछ चीजें स्प्रे करी ये खुरपी यूज कर लिया सिकल यूज कर लिया तो इस तरीके से अलग अलग चीजों से जो है वो रिमूव करते हैं अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं फार्मर्स तो यहां पे क्या बता रहे हैं कि बच्चे टिलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप हेल्प इन अप्रोटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स तो सबसे पहला स्टेप किया था हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ सोइल में टिलिंग या फिर प्लोइंग उसकी वजह से क्या हुआ बच्चे वहां पे भी जो ये आपकी वो होती है वीड्स होती है उनकी बिल्कुल अप्रोटिंग हो जाती है उखाड़ के फेंक दिया जाता है उसको ठीक है वो फिर सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं और सॉइल के साथ मिल जाती हैं तो क्या हो जाता है माइक्रोव उनप काम करते हैं तो उनको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस टाइम टेलिंग का ये भी फायदा हो रहा है ओके बात बता क्या बता रहे हैं कि वीड्स को कब उखाड़ें तो कह रहे हैं कि द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स अगर फ्लावर्स एंड सीड्स उन्होंने बना लिए तो क्या हो जाएगा भाई उनके सीड्स जहां पर बिखरेंगे वहां पर जाकर वो ग्रो कर जाएंगे फ्लावर्स फ्लावरिंग कर लिया उन्होंने तो उनके पॉलिन जहां जाएंगे उस तरीके से पॉलिनेशन होकर के हो कर, सकता है फर्टिलाइज करके फिर आगे ग्रो कर सके तो वो फ्लावरिंग करें वो सीड्स बनाए इससे पहले उसको रिमूव कर दिया जाए ये सबसे ज्यादा बेहतर रहता है ओके बच्चे तो क्या कह रहे हैं द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अप्रूटिंग ऐसे पकड़ा उखाड़ दिया जड़ से उसको क्या कहते हैं अप्रूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड बिल्कुल ग्राउंड के पास ले जाकर के इस तरीके से काट दिया वक्त वक्त ये चीज करने रहती है बच्चे उससे क्या होता है ये हम इस तरीके से अपने वीड्स को जो है वो रिमूव कर देते हैं अंडरस्टैंड दैट अब क्या कह रहे हैं कि एक

टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद्रेयर स्प्रेयर लिया और डायल्यूट करने को, के बाद उसमें पानी मिला करके उसको हल्का थोड़ा सा कर लिया, जि, जिस भी अमाउंट में चाहिए जितनी भी ज्यादा वीड है तो उसके हिसाब से क्या हुआ इस से भाई सब देखिए स्प्रे कर रहे हैं तो इस तरीके से इसको स्प्रेयर इस के जरिए वो विडिसाइड को स्प्रे कर दिया जाता है ठीक है ये इसकी स्प्रेइंग जो है बच्चे वो थोड़ी सी हार्मफुल हो सकती है क्या कह रहे हैं कि स्प्रेन ऑफिसाइड में फार्मर्स उनको जो है वो अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं कार्डिक डिसऑर्डर हो सकते हैं उनको जो है एलर्जीज हो सकती हैं और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ठीक है ठीके? इस वजह से क्या होता है इस चीज में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए तो फार्मर्स को एडवाइस करी जाती है कि पूरी तरीके से इस तरीके से स्प्रेइंग तरीक किट पहन करके जो है वो स्प्रे करें दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग दीज केमिकल्स ठीक है नाक इस तरीके से बंद कर ले मुंह इस तरीके से ताकि जर्म्स जो हैं ताकि वो केमिकल्स जो हैं वो हमारे उनकी बॉडी के अंदर जो है वो नहीं एंटर कर सके अंडरस्टैंड दैट तो ये हमारा क्या होगा बच्चे वीडिंग का पार्ट हो गया कि किस तरीके से वीडिंग करते हैं उन अनवांटेड प्लांट्स प्लांट को कैसे रिमूव करते हैं ओके okay, अब क्या होगा कि भैया हमने अपनी प्लांट्स की देखभाल भी कर ली है पानी भी दे दिया है बीज लगाई दी थी प्रिपेर सॉइल कर ली थी सबसे पहले तो अब क्या हुआ अब वो वक्त आने वाला है जब हमारी फसल पक करके तैयार हो जाएगी और हम हम लोग क्या करेंगे उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे ओके बच्चे तो हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क ठीक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चे तो इसको इस जो अब आपकी पक की अब गोल्डन हो गई है फसल जो है अब इसको काटने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग ठीक है बच्चे इट यूजली टेक्स थ्री टू फोर मंथ फॉर अल क्रॉप टू मेच्योर तीन से चार महीने लगे आपके सीरियल क्रॉप मेच्योर हो गई अब जब ये मेच्योर हो गई तो क्या करा जाता है इनको काट लिया जाता है ठीक है बच्चे एज यू कैन सी हेर किस चीज से काटा जाता है भाई अलग अलग भाई कंट्री हम लोगों ने पढ़ा था हमारा वास कंट्री अलग अलग तरीके कुछ गरीब फार्मर भी कुछ अमीर फार्मर भी हैं तो क्या करा जाता है या तो इस, ये इस तरीके से देखा होगा आपने ये सिकल होता है बच्चे ऐसे पकड़ा और नीचे से ऐसे करके काट दिया ठीक है तो पूरा प्लांट इस तरीके से काट लेते हैं या फिर एक मशीन का इस्तेमाल देख रहे हैं आप इतने जो बहुत अमीर फार्मर है इतने बड़ी मशीन का इस्तेमाल करते हैं इस मशीन को क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज हार्वेस्टर तो हार्वेस्टर का इस्तेमाल या तो करा जाता है बच्चे ठीक है अब खास बात क्या होती? Crop, कि जो सीड्स होते हैं वो शाफ, शाफ कि क्या हो? वो प्लांट है उसके अंदर सीड इस तरीके से लगे हैं तो वो जो प्लांट वाला पार्ट है और ये क्या होता है ये सीड जो होती है इन दोनों को जो है वो अलग कर लिया जाता है किस चीज में हार्वेस्टिंग में सॉरी oh, हार्वेस्टर में ठीक है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं थ्रेशिंग कहते हैं अब हावेस्टर में तो खुद ही हो जा रहा था लेकिन इसमें क्या होता है जब मैनुअली आपने तोड़ा है उसको तो क्या करा जाता है शाफ को लेकर के इस तरीके से गुच्छा बना करके एक प्लैंक पैसे करके पीटा जाता है कसकस -कस के तो पीटने से क्या होता है शाफ इसके हाथ में रह जाता है और तो सारे ग्रेन्स देख रहे हैं आप यहां पर ग्रेन्स निकल निकल करके टूट के आ जाते हैं तो ये प्रोसेस जो होता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग ठीक है बच्चे तो उसको कहते हैं थ्रेशिंग कहते हैं अब क्या बता रहे हैं कि इट इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज अ कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर तो एक मशीन इस तरीके से होती है यहां से ये फसल को आपके काटती चली जाती है शाफ के साथ वो यहां पर आता है और फिर यहां पे थ्रेशिंग होती है थ्रिशिंग होने के बाद आपका जो वेस्ट होता है वो यहीं जो वेस्ट होता है यहाँ हो जाता है और ये क्या होता है यहाँ से पास होते हुए बच्चे इसको कंबाइन कहा जाता है ओके okay? अब क्या हुआ भाई मशीन से हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्या होता है <laughs> जो शाफ होती है शाफ के अंदर कुछ कुछ साफ से तो सेपरेट कर लिया ठीक है कुछ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है उसमें स्टिल रह जाते हैं उनको क्या कहते हैं आर कॉल्ड एज हे ठीक है, है। जिसको भूसा भी कहा जाता है अब क्या होता है फार्मर ऊंची जगह पर खड़े होकर के विंड के डायरेक्शन के अपोजिट क्या करता है ऐसे करके ग्रेन्स को इस तरीके से नीचे गिराता है तो बीइंग क्या होता है बच्चे वो ग्रेन्स यहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं और ये हे जो होता है वो हे यहां से उड़ता हुआ एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो क्या कहे कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम इज कॉल्ड एज

तो ये है बैसाखी है दिवाली है होली है पोंगल है ये सारे जो है फेस्टिवल्स होते हैं जो कि क्या कहते हैं सेलिब्रेट करे जाते हैं किस चीज़ के लिए हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होते हैं यानी कि जब क्रॉप्स आपकी पक करके तैयार हो जाती है उसको हार्वेस्ट करते हैं तो उस चीज की खुशी मनाने के लिए फार्मर्स जो हैं या लोग जो हैं ये सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं मनाते हैं ठीक है अब हमारी क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट भी हो गई काट करके रख निकाल ली हम लोगों ने अब क्या है अब उसको स्टोर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अदरवाइज वो खराब हो सकती है बच्चे तो ये भी जैसे कि इंपॉर्टेंट क्रॉप है तो क्या बता रहे कि जो फ्रेश क्रॉप होती है है उसके उसके अंदर अंदर क्या होता मॉइस्चर कंटेंट अच्छा खासा हो जाता है ठीक है तो इसकी वजह से क्या होता है ये अगर मॉइस्चर कंटेंट होगा तो आप देख लें कि छोटे छोटे कीड़े जो है उसके ऊपर आ जाते हैं और क्या होता है कि आपकी क्रॉप्स को खराब कर देंगे तो जैसे मैंने उस टाइम बताया था सीड सिलेक्शन के टाइम पे तो कीड़े आ गए तो उन्होंने खा लिया था तो सीड्स आपके अंदर से हॉलो हो गए थे इसी वजह से वो क्या कर रहे थे फ्लोट कर रहे थे अगर सही होते तो वो सिंक कर जाते तो फार्मर सिंक वाले को चूज कर लेता उसको छोड़ देता है तो क्या हुआ था यहाँ पे अगर ये सीड जो है आपने ऐसे गीले स्टोर कर देते तो क्या होता मॉइस्चर कंटेंट उसमें था उन्होंने कीड़ों को अट्रैक्ट किया ये क्या हुआ ये आकर इसको खाते हैं और उनको खोखला बना देते हैं तो सीड जो होती है दे आर गोइंग टू लूज देयर कैपेसिटी अंडरस्टैंड दैट तो इसी की वजह से क्या होता है बच्चे उसको स्टोर करने से पहले आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी फील्ड में उसको फैला करके क्या करा जाता है उसको सुखाया जाता है सूरज की रोशनी में द आर ड्राइड इन द द सन इन इन ऑर्डर टू रिड्यूस मॉइस्चर देम ओके तो स्टोर करने से पहले उनको पूरी तरीके से जो है वो सुखा लिया तो इसकी वजह से क्या होता है ये जो है इंसेक्ट है पेस्ट है बैक्टीरिया है फंजाई है ये इन सारी चीजों से हमारा जो है वो क्रॉप बच जाता है ओके बच्चे उसके बाद क्या होता है अब वो सूख गया ड्राई हो गया तो क्या करा जाता है उसको बैग्स में स्टोर कर लिया जाता है जैसे जूट बैग है ठीक है ना ये बोरा होता है उस तरीके से इसमें स्टोर कर लिया जाता है या फिर बहुत बड़े बड़े मेटालिक बिन होते हैं उसके अंदर यानी कि आपने देखा होगा हो सकता है कुछ लोगों के घर में क्या होता है बहुत बड़ा सा इस तरीके से आयरन कैन टाइप होता है आयरन का बिन होता है ठीक है ना उसमें इस तरीके से भर लिया जाता है बहुत बड़े लेवल की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है लार्ज स्केल पे चीजो में और ग्रेनरीज में जो है वो इसको स्टोर करा जाता है यानी कि ये क्या होता है इस तरीके से गवर्नमेंट की एजेंसीज वगैरह होती हैं, स्टोरेज हाउस होते हैं वहां पर जो है ये गनी या फिर क्या होता है इस तरीके से कंटेनर्स होते हैं बहुत ज्यादा बड़े कंटेनर्स होते हैं इसके अंदर क्या कहते हैं ग्रेन को स्टोर करा जाता है इनको क्या कहते हैं तो ये सारी चीजें इनको जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं पेस्ट है रैट्स हैं रोडेंट्स हैं इन सब चीजों से जो है वो प्रोटेक्ट कर देता है हमारे क्रॉप्स को ओके बच्चे क्या कह रहे हैं कि ड्राइड नीम्स आर आल्सो यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम्स ठीक है जब आप चावल का बोरा वगैरह लेकर के आते हो तो उसमें आपने अगर ध्यान दिया हो तो हो सकता है कभी कभार क्या होता है नीम की लीव्स क्यों क्योंकि ये मॉइस्चर कंटेंट को जो है वो खींच लेती है उन चीजों को ग्रो नहीं करने देती है ठीक है तो ये भी जो है वो इस्तेमाल करी जाती है ठीक है फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रीन इन बिग गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ केमिकल ट्रीटमेंट यानी कि उसके अंदर कुछ केमिकल्स डाले जा जाते हैं जिससे ताकि वो प्रिजर्व रहे उनके ऊपर किसी भी माइक्रो ऑर्गेजम का कोई अटैक ना हो अंडरस्टैंड दैट तो ये सारी प्रोसेसेस जो थी वो एक बेचारा किसान जो है वो करता है इतनी मेहनत करता है तब जा करके हमारे पास जो है वो खाने की चीजें आती हैं सो वी शुड रिस्पेक्ट दी फार्मर्स क्यों क्योंकि वो हमारे लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हमें खाना पहुंचाने के लिए ठीक है बच्चे तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें पढ़ी अब क्या है हम लोगों को एक छोटी सी चीज और पढ़नी है कि दैट इज फूड फ्रॉम दी एनिमल्स ठीक है तो कह रहे हैं जिस तरीके से प्लांट्स होते हैं एनिमल्स भी हम लोगों को अलग अलग चीजें जो है वो प्रोवाइड करते हैं लाइक like एनिमल्स से हम लोगों को क्या मिलता है मिल्क होता है मिल्क के अलग अलग प्रोडक्ट्स बन जाते हैं ठीक हम है हम लोगों को पोल्ट्री प्रोडक्ट मिलते हैं एग है हनी भी हमको मिलता है ठीक है हम लोगों को मीट भी मिलता है ये सारी चीजें जो है वो हमें कहाँ से मिल रही है ये सारी चीजें हमें एनिमल्स से मिल रही होती है बच्चे तो क्या, और क्या बता रहे हैं कि मेनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अजर पार्ट ऑफ दियर डाइट तो फिश भी क्या होता है जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं लोग वो फिश का खूब ज्यादा कंजम्पशन करते हैं तो वो भी क्या है वो सारा फूड भी जो है वो एनिमल से ही मिल रहा है हम लोगों को ठीक है सो इन ऑर्डर टू गेट द फूड हम क्या करते हैं एनिमल्स को रियर करते हैं उनको प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करते हैं उनकी देखभाल करते हैं अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनको दवाएं देते हैं तो इस चीज के लिए उनको जो है और जब टाइम टाइम टू उनकी जो है वो ब्रीडिंग करवाते हैं ठीक है बच्चे तो सबसे पहले क्या है कि एक चीज क्या है एनिमल्स रियर एट होम और फार्मी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड उनको प्रॉपरली खाना प्रोवाइड कराया जाता है <coughs> उनको प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड कराया जाता है और क्या प्रोवाइड करा जाता है बच्चे प्रॉपर केयर अगर वो बीमार पड़ जाए और प्रॉपर टाइम पे तो उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है ठीक है बच्चे तो ये सारी चीजें ये चार चीजें तीन से चार चीजें जो करी जाती है इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा आप लोग फूड शेल्टर केयर एंड प्रॉपर ब्रीडिंग ये सारी चीजें जो बच्चे जो है वो कराई जाती है और यही चीज क्या होता है जब एक बहुत बड़े लेवल पर करी जाती है एक लार्ज स्केल पर करी जाती है सो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बच्चे क्या कहते हैं दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर

दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर बच्चे ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने आज कवर कर लिया है इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ तब तक के लिए बच्चे आप वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी चीज जो है वो मिस नहीं हो पाए और आपकी पूरी तरीके से सिक्स सॉरी नाइन्थ एंट्रेंस की तैयारी हो जाए जिस तरीके से मैं बायोलॉजी का पार्ट कवर कर रहा हूँ इसी तरीके से बाकी फैकल्टीज अपना अपना पार्ट कवर करेगी और आपके पास रेगुलरली ये वीडियोज आती रहेंगी तो आप बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आप भी तैयारी कर रहे हैं आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे होंगे उनको भी ये वीडियो लिंक शेयर कर दीजिए अपने रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए और सबको बता दीजिए कि एडू एक्सेल से आप तैयारी कर रहे हैं एडू एक्सेल आपके साथ पूरी तरीके से है यहां पे भी है और एंट्रेंस हॉल तक आपके साथ एड्यूक्सल रहेगा क्योंकि जो वादा कर रहे हैं एड्यूक्सल वो वादे से ज्यादा ही निभाएगा ओके बच्चे सो अगली क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए आप इस चीज को पढ़ते रहिए और साथ में नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए ताकि नोट्स आपके पास रहे एग्जामिनेशन में आपको रिवीजन के लिए ओके सो तो लेट्स मीट इन अदर क्लास इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट चैप्टर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हैव अ गुड डे बाय बाय